तो फाइनली यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेयर हाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे कहते हैं, इसमें होता क्या है कि एक ऐसे बैटरी हम बनाते हैं, ऐसी सेल बनाते हैं जिसमें दो प्लेट पाई जाती है। एक सपोज करिए आप एक जिंक की है तो एक कापर की हो गई, एक जिंक की हो गई, ठीक। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है और दूसरी तरफ होता है जो दूसरा वाला पार्ट है उस तरफ होता है रिडक्शन, ठीक। एक तरफ ऑक्सीडेशन हो गया, एक तरफ रिडक्शन। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसे, लेफ्ट वाले पार्ट को ऑक्सीडेशन साइड कहेंगे और राइट वाले पार्ट को कैथोड, सॉरी रिडक्शन साइड। और एक और नियम है कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन कैथोड पे, ऑक्सीडेशन एनोड पे, रिडक्शन कैथोड पे। सपोज करिए जिंक की प्लेट है, जिंक क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और फाइनली जेडन जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस फॉर्म में जेडन डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा टू इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। अच्छा, जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, जीरो से पहुँच गया प्लस टू पे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और ये जो इलेक्ट्रोड होगा, ये जो प्लेट होगी वो नेगेटिव होगी। यहाँ पे इस साइड राइट साइड पे कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक, रिडक्शन होता है यहाँ पे। और ये फाइनली कापर डबल पॉजिटिव से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा। इन दो प्लेटों को हम एक वायर से कनेक्ट करेंगे, इस प्लेट को एक वायर से कनेक्ट करेंगे और फाइनली इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा और इस प्लेट पे आएगा। तो इस पे कॉपर पॉजिटिव पाएंगे, इस पे कॉपर डबल पॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा और इसी प्लेट पे कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो ये कॉपर सॉलिड हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। देखिए यहाँ पे कॉपर डबल पॉजिटिव, टू इलेक्ट्रॉन लिया, कॉपर सॉलिड में पहुँच गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये कॉपर प्लस टू स्टेज से जीरो स्टेज में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेज। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है। तो फाइनली इस प्लेट को हम पॉजिटिव प्लेट मानेंगे फाइव, जस्ट बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म में पहुँच जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ से हम करंट को मेजर कर सकते हैं और वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ओके। तो फाइनली यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये प्लेट और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, सॉल्यूशन रहेंगे, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा, उस पोटेंशियल को कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि ये पोटेंशियल जो जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रोड और इन सॉल्यूशन के बीच में हो रही है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गई। तो इस पोटेंशियल को कहेंगे, यहाँ भी जो ऑक्सीडेशन साइड पर पोटेंशियल बढ़ रहा है उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे और जो दूसरी साइड रिडक्शन साइड में बढ़ रहा है उस पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। सो फाइनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू टाइप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसकी ज़्यादा रहेगी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा रहेगी। मतलब आप सपोज करिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर जिसकी हाई है, मतलब कि वो रिड्यूस होना चाहेगा, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। अच्छा, जब ऑक्सीडाइज करना चाहेगा तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इज प्रपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज प्रपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। ये होता है 1M सॉल्यूशन, 1M मतलब 1
मोलर सॉल्यूशन 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर पे। द की नोट्स, द की नोट्स इज अकॉर्डिंग टू आईपीसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल। इफ सपोज करिए कि अगर आप क्वेश्चन में आपको ये ना बताया हो कि रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो केवल उसमें कहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको क्या समझना है कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है तो वो एग्जैक्टली क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर उसमें मेंशन ना किया हो कि दैट इज गिवन वैल्यूज आर इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देन यू हैव टू माइंड इट दैट इट इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अगर मैग्नीट्यूड देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का दोनों का सेम होता है, बस साइन अपोजिट होते हैं। मीन्स अगर रिडक्शन पोटेंशियल 4.02 है वोल्ट, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो क्या होगा, -0.2 वोल्ट। ओके, अगर इसे हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा ऑक्सीडेशन में चेंज करना होगा तो उसका हो जाएगा -0.2 वोल्ट। और ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि ये रिएक्शन दी हुई है, सपोज करिए टू जेडन इज कन्वर्टेड इनटू जेडन डबल पॉजिटिव, तो ये जो कोफिशियंट है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट इस पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट। देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मीन्स अगर ई नॉट सेल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है। मेजरली एक ही फार्मूला है ये वाला, बट कैलकुलेशन ईजी होने के लिए हमने तीन फार्मूला बनाया है, जिसमें से पहला है इफ ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, या आपको तो आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, सपोज करिए कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल उसका करना है, तो जो अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। ओके, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में उसका उस वैल्यू को सेम रखेंगे और साइन अपोजिट कर देंगे, तो वो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में सपोज करिए आपको केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, कह रहा है केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें मेंशन ना किया हो कि रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो आपको उसमें देखना होगा, सपोज करिए वैल्यू अगर Zn प्लस 2 से जा रही है Zn में, तो उस समय और इसकी वैल्यू दी हुई मान लीजिए कि 0.4 है, तो ये प्लस 2 से 0 जा रहा है, मतलब कि इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक, यहाँ पर रख देंगे। अगर सपोज करें Fe प्लस 2 से दिया है Fe बराबर 0.2, तो इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी ये भी रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हमको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमको क्या कर लेना है, 0.2। फिर से देखिए, अगर प्लस 2 से या फिर डबल पॉजिटिव से Fe में कन्वर्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू 0.2 वोल्ट दिया है, तो इसका मतलब हमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के माध्यम से हमको पता चल गया कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसको अपोजिट कर देंगे। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है रिएक्शन के से पता चल रहा है, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसको सेम रखेंगे, ठीक, इसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो मान 0.4 हो जाएगा, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो 0.4 का मान 0.4 हो जाएगा। ठीक, इफ ओनली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन, देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस उसका रिडक्शन पोटेंशियल कर देंगे। ठीक, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे करेंगे, इसका जो रिडक्शन जिसमें जो जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू को जस्ट अपोजिट कर देंगे। इफ ओनली रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन, देन ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
ठीक, रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा, उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे पता करेंगे, जो रिडक्शन पोटेंशियल जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ठीक, साइन अपोजिट करके हम पता कर लेंगे। क्वेश्चन इज गिवन दैट रिएक्शन इज गिवन Zn, Zn प्लस टू, Fe प्लस टू टू Fe। ए बी सी का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये नहीं दिया रहेगा, ये हम आपको बता रहे हैं कि ये इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, एनोड पे, ये एनोड होगा, ये आपका कैथोड हो गया, ठीक, और ये बी फॉर क्या हो जाएगा, ब्रिज, ठीक है। अब देखिए, और सी का मतलब कैथोड, और आप जानते हैं कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। फाइंड करना है इनर्ट सेल, दिया क्या है Zn प्लस टू व्हेन कन्वर्ट इनटू Zn प्लस टू, तो इनर्ट वैल्यू ये है, Fe व्हेन कन्वर्ट इनटू Fe प्लस टू, तो इनर्ट वैल्यू ये है। फाइनली देखते हैं कि ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो जिंक का हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि जिंक जीरो से, अपने जीरो वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है प्लस वन पे, और Fe का रिडक्शन हो रहा है, वाई, जस्ट बिकॉज प्लस टू इट कन्वर्ट इनटू प्लस टू टू जीरो, ओके, मतलब कि ये रिडक्शन वाला पार्ट है, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, ठीक। अच्छा, इनर्ट का फार्मूला क्या होता है, इनर्ट ऑफ ऑक्साइड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इनर्ट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ऑक्सीडेशन इसका होगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो देखिए, ये Fe2 ये जीरो से प्लस टू जा रहा है, यहाँ पे उसकी वैल्यू 0.4 बन गया है, मतलब कि, लेकिन वो क्या रहा है, इसका रिडक्शन, मतलब कि इसका हम वैल्यू क्या करेंगे, सेम रखेंगे लेकिन साइन अपोजिट करेंगे, तो इसका हो जाएगा -0.41। तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो गया 0.76 प्लस रिडक्शन की वैल्यू क्या हो गई, -0.41। तो फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.35। थैंक यू।